Hello and good morning all of you. Welcome to the Alpha-S Academy's agriculture series, and we are at the lecture 5. Today we shall be discussing a topic called different types of irrigation and irrigation systems, storage systems dekhenge. ठीक है, तो basically हम irrigation को बड़े ही comprehensive and holistic तरीके से discuss करेंगे, सब कुछ देख लेंगे irrigation में. तो basically पहले definition ही देख लेते हैं. तो irrigation होता क्या है यार? basically आप पानी, भाई plant की growth को क्या चाहिए? पानी चाहिए. अब आप पानी या तो रेन से दे सकते हैं, बारिश हो सकती है. अब इंडिया, आपको पता है कि बहुत चार या तीन चार महीने ही, जून से लेके और अक्टूबर तक ही बरसात का मौसम होता है, उसके बाद जो है बरसात नहीं होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर उस समय तो हो सकता है, बट देन और समय पर क्या करें, तो और समय पर क्या होता है, इरीगेशन की ज़रूरत होती है. तो इरीगेशन होता क्या है? इट इज़ द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर. क्या है? आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. जब एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं है, तो आप जो है प्लांट की ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन के लिए पानी दे रहे हैं जहाँ पे इनफ रेनफॉल नहीं है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरीगेशन. अब इरीगेशन भी डिवाइडेड है बहुत तरीके से. अगर हम पहले सबसे पहले इरीगेशन को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, कि पानी हम जो इरीगेशन का पानी आ रहा है खेती के लिए, जो पानी आ रहा है वो आप ले कहाँ से रहे हैं? तो बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, टैंक इरीगेशन, वेल्स एंड ट्यूबवेल इरीगेशन एंड कैनाल इरीगेशन. अब देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो टैंक इरीगेशन और कैनाल इरीगेशन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, पर आज के समय में वेल एंड ट्यूबवेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और टैंक इरीगेशन और कैनाल इरीगेशन का इस्तेमाल घट रहा है, बावजूद इसके कि सरकार जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्फेसिस है कि आप भैया कैनाल इरीगेशन को प्रमोट करो, क्योंकि कैनाल इरीगेशन जो है वही सबसे अच्छा होता है. बट देन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स जो है अच्छा लगता है फार्मर्स को, उनको कन्वीनियंट लगता है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, टैंक इरीगेशन क्या होता है आपका? बेसिकली ये आपको पेनिनसुलर इंडिया या आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. भाई क्या होता है, वहाँ पे हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है, तो वहाँ पे पानी जो है जल्दी से एक लेवल के बाद नीचे नहीं जाता. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन में पानी डाला तो आप एक क्या करते हो, टैंक बना देते हो, उसमें पानी भर देते हो, फिर वहाँ से जो है सोर्स आउट करते हो इरीगेशन के. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स में क्या करते हो आप, भैया ट्यूबवेल खोदते हो या एक बड़ा सा होल खोदते हो. ठीक है, जैसे आपने देखा ना, प्रिंस गिर जाता था या बहुत सारे बच्चे गिरते हैं भारत में. ठीक है, वो कहाँ गिरते हैं? वो वेल्स और ट्यूबवेल्स में गिरते हैं, जो बोर वेल्स होते हैं उसके गड्ढे में गिर जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या करते हो, यहाँ एक पंपिंग सेट लगा देते हो मोटर, और यहाँ पानी होता है आपको वाटर टेबल तक ले जाते हो इसको, और ये वाटर जो है ऊपर पंप करता है. ठीक है, यहीं से जो है आप ग्राउंड वाटर ऊपर लेके आते हो. ठीक है, अब ये हो गया आपको वेल्स एंड ट्यूबवेल इरीगेशन. कैनाल इरीगेशन क्या होता है, कि आप रिवर्स का इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इनअंडेशन कैनाल्स और एक होता है आपका पेरिनियल कैनाल्स. ठीक है, तो इनअंडेशन कैनाल क्या होता है, कि सीधा नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, आपने जो है हल्का सा यहाँ पे इससे ही पानी सीधा ऐसे, एक आपने हल्की सी यहाँ इसको तोड़ी, नदी तोड़ी यहाँ. पेरिनियल कैनाल्स में क्या होता है, बेसिकली आपने एक बैरियर बना दिया, यहाँ पे बैरियर बना दिया, तो अब आपने वाटर का फ्लो जो है कंट्रोल कर रहे हैं, रोक दिया आपने, और इसके बगल से एक यहाँ पे नीचे कैनाल बना दिया. ठीक है, तो वाटर का जो फ्लो है वो इधर है, बट कैनाल किधर है, इधर है, तो इसको बोलते हैं पेरिनियल कैनाल्स. बेसिकली 1960s और 70s में यार बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ था कैनाल इरीगेशन का, बट देन मैंने आपको बताया कि वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का जो है अब यूज़ बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि कैनाल इरिगेशन को प्रमोट किया जाए, टैंक इरिगेशन को प्रमोट किया जाए. ठीक है, तो ये थी इरिगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सोर्स. देन मेथड ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन डिलीवरी सिस्टम. भैया आप पानी तो खेत पे ले आए, ये तीन क्या किया आपने, कि आपका सोर्स कहाँ है, पानी कहाँ से है. अब आपका पानी जो है खेत पर पहुँच चुका है, अब आप उसको जो है इरीगेट कर रहे हैं, पानी लगाएंगे कैसे? तो तीन टाइप के होते हैं, सर्फेस इरीगेशन, सब सर्फेस इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन. सबसे अच्छा होता है माइक्रो इरीगेशन, बट देन सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं. अगर हम सरफेस इरीगेशन की बात करें तो बेसिकली ये भी चार टाइप्स के होते हैं, फ्लड, बॉर्डर, फरो एंड बेसिन. भाई फ्लड में क्या होता है, बेसिकली आप जो है पानी, जैसे फ्लड में पानी आ जाता है ना, वैसे आ जाता है इसमें पानी, आप पाइप के थ्रू या किसी कैनाल के थ्रू जो है पानी जो है फील्ड में लगाते हो. आपने क्या हुआ, पूरे फील्ड में पानी फैला दिया. ठीक है, पूरे फील्ड में पानी कैसे फैल जाता है, जैसे फ्लडिंग हो रखी हो फील्ड की,
उसको बोलते हैं फ्लड इरीगेशन। इसके फीचर्स क्या हैं, देखो यार, डेंसली पॉपुलेटेड जो प्लांटेड जो क्रॉप्स होते हैं वहाँ पर बड़ा इस्तेमाल होता है ये। ईजिली अवेलेबल वाटर है, ईजी है लगाने के लिए। जो सॉइल्स, किन सॉइल्स में इस्तेमाल होता है, जो परमिएबल होती हैं, आसानी से इरोड नहीं होती हैं। लेकिन ये वेल लेवल स्लोप्स पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फ्लड इरीगेशन का, ठीक है। देखो दो टाइप से लैंड होगी ना आपकी, या तो वो वेल लेवल्ड होगी या वो स्लोपी होगी, ठीक है। फ्लड इरीगेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वहाँ पे। देन बॉर्डर इरीगेशन मेथड, बॉर्डर इरीगेशन मेथड में क्या करते हो आप, आपने डॉल देखी है, देखो आपको समझाते हैं। ये है आपका, ऐसे आप क्या करते हो, मैं एक बॉर्डर बना देते हो ऐसे, डॉल सुनी होगी या मेड़ बना देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप जो है चारों ओर, और फिर यहाँ से पानी डालते हो, तो बेसिकली आपने क्या किया, एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं बॉर्डर इरीगेशन, ठीक है। अब फिर होता है फरो और रिजर्स इरीगेशन। गन्ना देखा आपने कैसे बोया जाता है। अब देखो आपकी फील्ड क्या थी, एक लेवल्ड फील्ड थी। अब इसमें आपने जो है फरोज बना दिए, फरोज ऐसे बनते हैं, ठीक है। बेसिकली दिखते कैसे, ऐसे, सॉरी, ये और ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ठीक है। तो ये फरो इरीगेशन है ऐसे, ये क्या बन गया आपके, फरोज बन गए। इसके बीच में यहाँ पे जो है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे जो है आप कुछ बोते हैं और इसी में पानी फ्लड करते हैं। बड़ा एफिशिएंट तरीका होता है ये फरो इरीगेशन, ठीक है। तो फरो इरीगेशन और बॉर्डर इरीगेशन को जो है आप बेसिकली स्टीप स्लोप्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फरो इरीगेशन में क्या होता है, ये फरोज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फरो इरीगेशन। फरो इरीगेशन में क्या है कि यार बेसिकली वाटर एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, रो क्रॉप्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपेंसिव नहीं है मेंटेन करने के लिए, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये बड़ी स्किल टाइप की चीज़ है, ये हर कोई नहीं कर सकता, इसमें आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए। देन जहाँ पे अनइवन लैंड है वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर और यहाँ पर बहुत पानी जमा हो जाता है, ठीक है। जो एंड्स होते हैं ना वहाँ पर पानी बहुत जमा हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेसिन मेथड की। देखो बेसिन कुछ नहीं है, ये ऑर्चर्ड्स में इस्तेमाल होता है बेसिकली, जो बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, कि आप जो है, ये आपका पेड़ है, आपने आम का पेड़ देखा होगा, आम के पेड़ के अराउंड कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे गोल सी एक गड्ढा सा, हल्का सा, हम शैलो गड्ढा सा बना के यूँ बनाते, ताकि जो है वीड, उस पे वीड्स ना आए, साफ रहे उसके अगल बगल, जो फल यहाँ से गिरे वो सीधा ज़मीन पे गिरे, कहीं घास में ना गिर जाए। तो बेसिकली बस यहीं से पानी लेके आते हैं, इसमें यहाँ पानी भर देते हैं, ठीक है। तो इसी को बेसिन मेथड बोलते हैं। अब सब सरफेस मेथड कुछ नहीं होता, आप पानी के नीचे, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ आपने पाइप डाल दिए हल्के हल्के जिसमें छेद हैं, और इससे पानी जो है कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ रहा है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली ये हो गया सब सरफेस। अब आते हैं तीसरे पे, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम। बेसिकली ये होते तीन चार बेसिकली दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है। एक होता है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और एक होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। देखो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को हम ट्रिकल इरीगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, सीधा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं उस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते हैं, ठीक है। ऐसे आपका ड्रॉप, हल्की हल्की ड्रॉप पानी की इस पे डालते रहते हैं लगातार। और किस रेट से डालते हैं, उसकी स्पीड कितनी होती है, कि जो इन्फिल्ट्रेशन स्पीड होती है सॉइल की, पानी की स्पीड उससे कम होती है, ठीक है। अब ड्रिप इरीगेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं बेसिकली, तो वो अब आप नोट्स में देख सकते हैं उसको, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में। बट देन आपको नाम पता होना चाहिए, अब उसके देख लेना एक बार नोट्स में जाकर कि कितना इम्पोर्टेंट, मतलब क्या है वो, बस बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, सरफेस ड्रिप इरीगेशन होता है, सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन होता है, फैमिली ड्रिप होता है, ऑनलाइन ड्रिप होता है, इनलाइन ड्रिप होता है, ठीक है। ये किस टाइप के इरीगेशन है, ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। फिर होता है आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या होता है, ऐसे आपका लगा होता है स्प्रिंकलर होता है ऐसे, वो जो है घूमता रहता है, पानी का फोर्स रहता है नीचे से उसके ऊपर, वो घूमता रहता है बेसिकली, जैसे बारिश होती है ना वैसे ही होता है, सिमिलर होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। बट देन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उसका एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी रहती है या हवा चलती है, वहाँ पे आप स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे सेंटर पिवट, टॉवल पिवट, रेन गन, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर, पॉपअप स्प्रिंकलर, लीनियर मूव स्प्रिंकलर, ठीक है। फिर और भी दो टाइप के इरीगेशन सिस्टम होते हैं,
ठीक है, एक होता है आपका बबलर। बबलर पता है क्या होता है, आप एयरपोर्ट्स गए होंगे, आपने देखा है कि ऐसे बेसिकली नीचे वहाँ का टैप कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे टैप, यहाँ पे हल्का सा टैप लगा होता है, यहाँ पे एक बटन होता है, उसे दबाते हैं और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी को ही बबलर इरीगेशन बबलर बोलते हैं, जो एयरपोर्ट में पानी पीने वाले सिस्टम्स होते हैं ना, उसी को बबलर बोलते हैं, ठीक है। आपने दबाया और यहाँ से जो है प्रेशर से पानी आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं बबलर, ठीक है। पर प्लांट बेसिस पे इसमें पानी लगाया जाता है, ये अच्छी बात है। फिर एक होता है स्प्रे इरीगेशन, ठीक है, एक होता है आपका स्प्रे इरीगेशन। स्प्रे इरीगेशन क्या होता है भाई, आपने कॉलिन छिड़कते हुए देखा, या कॉलिन छिड़कते हो, आपका कोई भी स्प्रे या डीओ यूज़ करते हो, बस वैसे ही होता है स्प्रे इरीगेशन। किसका इस्तेमाल करता है, फॉगर्स का, मिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, जिसको हम स्प्रिटर्स भी बोलते हैं। अब यार देखो एडवांटेजेस क्या है माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के, ठीक है, माइक्रो इरीगेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे अच्छा इन सब में माइक्रो इरीगेशन है, बट देन उसका अपना फंडा है कि माइक्रो इरीगेशन एक तो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, उसमें स्किल्ड पर्सनल चाहिए, लेकिन उसकी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। उसमें जो है वाटर बड़े एफिशिएंटली यूज़ होता है माइक्रो इरीगेशन में, ठीक है, माइक्रो इरीगेशन में वाटर बड़ा एफिशिएंटली यूज़ होता है, बट देन उसमें कैपिटल इंटेंसिव है, आपको पाइप बिछाने पड़ेंगे, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग माइक्रो इरीगेशन सिस्टम नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो इरीगेशन सिस्टम में आपके क्या होता है, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ होता है, ठीक है। आप जो है पानी को यूनिफॉर्मली अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, आपकी बिजली बचती है, ठीक है, आपका जो केमिकल एप्लीकेशन है वो इम्प्रूव होता है, वीड्स रिड्यूस होते हैं, डिजीजेस कम लगते हैं, ठीक है, जो टॉलरेंस ऑफ क्रॉप होती है सॉइल सैलिनिटी की वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो टॉपो, और एक्चुअली ये जो माइक्रो इरीगेशन है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी टोपोग्राफी या सॉइल टाइप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लिमिटेशन नहीं है उस चीज़ को लेके। देन आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट आपकी घटती है और क्वालिटी और यील्ड अच्छी आती है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सूटेबिलिटी ऑफ इरीगेशन सिस्टम, कि भैया अब आपने शुरू में क्या किया कि आपने पानी लाए, टैंक से लाए, ट्यूबवेल से लाए, कैनाल से लाए, अब आपने उसे अप्लाई कर दिया, कि कैसे अप्लाई किया, या तो आपने सरफेस किया या सब सरफेस किया या माइक्रो इरीगेशन किया। अब कुछ फैक्टर्स हैं कि भैया किस चीज़ पे आपने ये तो कर दिया, बट किस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा कि आपका इरीगेशन बढ़िया रहा या नहीं रहा। तो बेसिकली 5 हेड्स हैं, एक हो गया आपका नेचुरल कंडीशंस, एक हो गया क्रॉप्स, एक हो गया टेक्नोलॉजी, और लेबर इनपुट्स कैसे रहे, और आपकी कॉस्ट कितनी है। इन सब पर डिपेंडेंट है कि इरीगेशन आपका कितना बेहतर रहेगा और कितना बेहतर नहीं रहेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कंडीशंस की। अब नेचुरल कंडीशंस में भी 5 टाइप में, देखो सबसे पहले है एक सॉइल टाइप, कि सॉइल किस टाइप की है। मान लिया अगर सैंडी सॉइल है, अब सैंडी सॉइल है आपको पता है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम है, तो जल्दी पानी निकल जाएगा उसमें से, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ही इरीगेशन देना पड़ेगा, ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। बट देन वहीं पे अगर क्ले सॉइल है तो उसका लो इन्फिल्ट्रेशन रेट रहता है, तो वहाँ को पानी कम देना पड़ेगा। देन स्लोप की बात करें, अगर प्लेन लैंड है तो वहाँ पे आप वाटर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फ्लड इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफेस इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देन अगर बहुत स्लोप है, स्टीप है, तो वहाँ पे आपको स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप जो है कंडीशन के अनुसार जो है अपना इरीगेशन सिस्टम भी चेंज करेंगे। अब आप यहाँ पर फ्लड इरीगेशन नहीं कर सकते। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या होता है कि भैया वहाँ उस जगह के में सनलाइट कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, ठीक है। मान लिया कहीं पे स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं, बहुत तेज विंड्स हैं, ठीक है, अगर बहुत तेज विंड्स हैं तो आप जो है स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पानी गिरेगा नहीं, मतलब हवा के साथ बह गया, वहाँ पे आपको ड्रिप या सरफेस इरीगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मतलब आप जो है वाटर एफिशिएंसी ज़्यादा किस में आती है आपकी, ऑफकोर्स सी बात है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन में आती है। अगर तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल कर सकते हो, तो वही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी जो वाटर एफिशिएंसी है वो बढ़िया है, कम पानी में अच्छा फसल उगती है आपकी, ठीक है। देन वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पे भी डिपेंडेंट है कि आप कौन सा इरीगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। अगर तो पानी में जो है बेसिकली आपका कंकड़ है, सेडिमेंट्स है, तो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, वो पाइप को क्लॉक कर देंगे, तो आपका ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन हो ही नहीं सकता अगर पानी में सेडिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कहीं पे लीचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि पानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच आउट हो जाते हैं पानी के साथ, वहाँ पे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सरफेस इरीगेशन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं वहाँ पे ड्रिप का अच्छा काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है चेंज करते हैं कि वाटर की क्वालिटी पे भी आपकी इरीगेशन सिस्टम डिपेंड करते हैं। देन क्रॉप्स की बात करते हैं,
कि क्रॉप कैसा है। देखो कई क्रॉप्स होते हैं वो वाटर इंटेंसिव होते हैं, दो टाइप के क्रॉप होते हैं, एक तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं कि पानी ज़्यादा चाहिए, कुछ को पानी कम चाहिए होता है। तो बेसिकली जैसे आपका चावल है उसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, वहीं पे वीट है, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें पानी इतना नहीं चाहिए होता। तो बेसिकली आप उस पर भी डिसाइड करते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए वहाँ पर आपको हो सकता है कि सरफेस इरीगेशन देना पड़े, वहाँ पर आपका बेसिकली राइस है वहाँ पे हो सकता है कि आपका ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन काम ना कर पाए, ठीक है। बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं क्रॉप्स की, ये भी देखनी पड़ती हैं आपको, इनिशियल स्टेज, क्रॉप डेवलपमेंट स्टेज, मिड सीजन और लेट सीजन। तो इनिशियल स्टेज मतलब जब शुरुआत में ही, तो वहाँ उस समय आपको पानी कम चाहिए होता है। देन जब आप क्रॉप डेवलपमेंट स्टेज में आते हो, जब क्रॉप डेवलप होना शुरू करता है तो कंजम्पशन जो है पानी का बढ़ जाता है। देन मिड सीजन में क्या होता है कि आपका जो वाटर कंजम्पशन है वो पीक पे पहुंच जाता है मिड सीजन में, बट लेट सीजन में जब उसका हार्वेस्टिंग का समय आता है तब भी आपको पानी कम चाहिए। देन क्रॉप सेंसिटिविटी की बात करें, देखो हर कोई सेंसिटिव है, क्रॉप भी सेंसिटिव है, क्रॉप भी बोलता है कि यार आप मेरी ज़रूरत को समझो और उसी हिसाब से मुझे पानी दो, यही होती है क्रॉप सेंसिटिविटी। एक होता है आपका क्रॉप वाटर यूज़ होती है, एक चीज़ क्रॉप वाटर यूज़ क्या होती है, उसको इवेपोरेशन, क्रॉप वाटर उसको इवेपो ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि क्रॉप को अपनी ग्रोथ और कूलिंग के लिए कितना पानी चाहिए, ठीक है, और क्रॉप की सेंसिटिविटी या क्रॉप को कितनी नीड है पानी की आप उतना ही दें, ठीक है। अगर उसे ज़्यादा चाहिए तो आप फ्लड दे दें या सरफेस इरीगेशन दें, उसे कम चाहिए तो ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। फिर बात बचे तीन, ठीक है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में देखो बेसिकली आज के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरीगेशन है बेसिकली वो उसमें आपको टेक्नोलॉजिकली नो हाउ चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि फड़वा लिया और डॉल बनाई और पानी लगा दिया, नहीं, उसमें आपको पाइप लगाने पड़ेंगे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उस कहीं कहीं बहुत जगह तो ऑटोमेट होता है, क्योंकि जितना अच्छा ऑटोमेशन होगा उतनी अच्छी फसल मिलेगी आपकी, बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है वो, ठीक है, और बट एफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आप जो है बेसिकली जो सरफेस इरीगेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है कौन सा आपका, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन। देन लेबर इनपुट्स की बात करें तो सरफेस, अगर आप सरफेस करेंगे तो भैया आपका जो लेबर इनपुट होता है वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लेबर लगती है। अगर आप स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन करेंगे तो आपकी लेबर कम लगती है, ठीक है। अब सरफेस में आपको लैंड लेवलिंग करना पड़ता है, लैंड को बराबर करना पड़ता है, रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है, ड्रिप और स्प्रिंकलर में ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और जैसे अगर आप फरो इरीगेशन ले, वहाँ पे भी जो है लेबर और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देन आप कॉस्ट की बात करते हैं तो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन सरफेस में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बट देन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स का बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं स्टोरेज इरीगेशन सिस्टम कि पानी आपने स्टोर कर दिया, वहाँ से आप इरीगेशन सिस्टम के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला होता है डैम्स, आपने बांध बना दिया, बांध से आप पानी ले जा रहे हैं कहीं भी। देन सेकेंड होते हैं स्पिलवेज एंड एनर्जी डिसिपेटर्स, इसमें कुछ नहीं होता यार, बेसिकली जो पानी एक्सेस वाटर होता है डैम्स में उसको बाहर निकालने के लिए या उसको इरीगेशन का इस्तेमाल करने के लिए स्पिलवेज एंड एनर्जी डिसिपेटर्स का इस्तेमाल होता है। देन तीसरा होता है स्लूसेस एंड आउटलेट्स, स्लूसेस एंड आउटलेट्स कुछ नहीं होता, आपने जो है एक गेट बनाया, ये आपका डैम था, यहाँ आपने गेट बना रखा है, जैसे आपको पानी की ज़रूरत हो ये आपने एक गेट खोल दिया और पानी इधर बहने लगा और आपने पाइप के थ्रू या कैनाल के थ्रू जो है लैंड पे जो है इरीगेट कर दिया, उसको पानी पहुंचा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इरीगेशन इंडिया के कि इंडिया में क्या स्टेटस है आज के टाइम पे, क्या चैलेंजेस हैं और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 17% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, 500 में से 17 लोग दुनिया में भारत में रहते हैं। हमारे पास सिर्फ लैंड 2.4% लैंड है वर्ल्ड लैंड की, और हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो 4% है, ठीक है, 4% लैंड वाटर रिसोर्सेज हैं सिर्फ। तो क्योंकि हमारे पास 4% वाटर रिसोर्स है तो बहुत ज़रूरी आता है कि हम जो हैं जो हमारे पास वाटर है उसको बेटर यूटिलाइजेशन करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। बट होता क्या है कि मैक्सिमम जो है फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं हम इरीगेशन के लिए, जो पानी के लिए पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे उसका इस्तेमाल इरीगेशन के लिए करते हैं। लगभग उसमें से भी 90% जो है ग्राउंड वाटर जो है इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ग्राउंड वाटर जो है पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इरिगेशन जो है बढ़ा है, मतलब इरिगेशन की जो डिमांड है भारत में बढ़ी है, लगभग नेट इरिगेटेड जो एरिया है वो 18% से अब हमें 48% पे बढ़ गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे चैलेंजेस है। देखो हुआ क्या कि केनाल सिस्टम पे जो है सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था, बट देन केनाल सिस्टम के एम्फेसिस होने के बावजूद जो है ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है
भारतीय एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर की, ठीक है। प्लानिंग कमीशन था हमारे पास जब तक था, तो उन्होंने तीन टाइप ऑफ इरीगेशन को डिवाइड किया था, ठीक है। एक था आपका मेजर कल्टिवेबल कमांड एरिया, कल्टिवेबल कमांड एरिया मतलब CCA, ठीक है, मेजर हो गया, मीडियम हो गया और माइनर हो गया। उसी में जो 1950s और 1951 में जो पॉलिसी आई थी जब भारत आज़ादी हुआ था, तो कमांड एरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि कमांड एरिया को आप इरीगेट करो, किससे करो, कैनाल से करो। बट देन कैनाल्स पे जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हुई है 1951 की। अगर मैं आपकी बात करूँ 1951 में हम लोग लगभग 40% लैंड को या 40% आप कह लीजिए कि 40% डिपेंडेंस थी हमारी, या लगभग अगर हम 100 हेक्टेयर में से जो है 40 जो है कैनाल से इरीगेट करते थे, बट आज ये घट के 24% रह गई है, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्ट है कैनाल इरीगेशन का वो 40% से 24% हो गया, कम हो गया, ठीक है। और ग्राउंड वाटर तो भैया राइस पे है और लगातार राइस पे है, जो कि एक कंसर्न भी है मैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इरीगेशन के इंडिया में? देखो सबसे पहली बात तो कि डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अब भैया क्योंकि वाटर आपका ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिप्लेशन है और डिपेंडेंस है, अब ग्राउंड वाटर तो आपने सकअप कर लिया नीचे से, अब भाई नीचे भी तो पानी लिमिटेड है, तो अब क्या किया? कल तक वाटर टेबल यहाँ थी, आज यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो क्या हुआ? डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल बहुत कम हो गई। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर इरीगेशन, ठीक है। उससे क्या होता है कि डिटोरेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होता है, पैडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। देन एक और कारण है इसका कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी या सब्सिडाइज रेट पे थी, लोगों ने पंप्स लगाए और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सरकार के पास भी, सरकार को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, तो बट देन हमारे पास उसका आज एंड रिजल्ट क्या है कि वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है कई जगह पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, ये बहुत कम हो गई है। देन अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। जहाँ पे तो बारिश ज़्यादा हुई वहाँ पे तो ठीक है, बट देन जहाँ पे कम हुई वहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे कहाँ से आप लाएंगे? तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने की वजह से भी जहाँ पे कम हुई वहाँ पे आपको इरीगेशन ज़्यादा देना पड़ता है। और लगभग आज भी हमारा 31% जो कल्टिवेबल एरिया है वो रेनफेड है, इतना इरीगेशन पे एम्फेसिस होने के बाद भी, क्योंकि दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। 10 पोअर इरीगेशन एफिशिएंसी, ठीक है, पानी चाहिए था एक यूनिट, वहाँ पे हम दे रहे होते हैं 10 यूनिट, ठीक है, और जहाँ 10 यूनिट चाहिए होता है वहाँ हम एक यूनिट दे रहे होते हैं, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है हमारी सही नहीं है। देन देर इज़ ह्यूज गैप बिटवीन क्रिएटेड एंड यूटिलाइज इरीगेशन पोटेंशियल। अब हमने बोला कि हम जो है 5,000 क्यूबिक टन पानी सप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डैम से, ठीक है, बट देन पता लग रहा सप्लाई कितना हो रहा है, 100,000 क्यूबिक टन ही हो रहा है, उसे हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पानी है बट देन उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देन फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड ग्राउंड वाटर ओवर यूज तो है ही है भाई। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1950 से 1989 तक ही 10 मेजर ड्रॉट्स हुए, और क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएंगे तो ड्रॉट्स भी बढ़ेंगे। और एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2020 से 2049 तक जो है ड्रॉट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, बट देन इसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए हमें, तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं भाई? आप तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें फॉर एडिक्वेट एंड रेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक है, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं। देन जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, उसे दूर करें, बेटर ड्रेनेज करें, वाटर लॉगिंग ना हो पाए, सेलाइन ना हो पाए सॉइल्स। देन इरीगेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें कि भाई जितना पानी अवेलेबल है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, भाई इरीगेशन एफिशिएंसी। तो अच्छा ये बताओ कि कौन सी स्कीम का ये कीवर्ड है, या ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। देन ऑप्टिमम क्रॉप प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे अगर पानी कम है तो वहाँ पे आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मत उगाओ, आप वहाँ पे लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाओ। देन वर्चुअल वाटर ट्रेड, बेसिकली होता क्या है वर्चुअल वाटर ट्रेड, कि आपका जो इंडियन फार्मर्स हैं बेसिकली अगर एक टन गेहूं उगाने के लिए ब्राज़ील या चाइना के फार्मर्स 10 क्यूबिक टन वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं भारत के जो फार्मर्स हैं वो एक टन गेहूं उगाने के लिए लगभग 30 से 40 क्यूबिक टन पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैं ऐसी, ये कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है, बट देन ये मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको बताया है कि हमारा जो पानी है वो कैसे इस्तेमाल होता है, हमारा हम पानी का इस्तेमाल भी ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है। और वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, वाटर प्रोडक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं कि वाटर
पंप अच्छे से कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कैनाल वाटर बढ़ा सकते हैं, वाटर सेव कर सकते हैं, वाटर को रीयूज कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास वाटर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास CWC है, सेंट्रल वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक CGWB है, सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड है। देखो सेंट्रल वाटर कमीशन तो क्या है कि बहुत बड़ा कमीशन है, ठीक है, वो तो पूरे मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को देखता है, पर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड रिसोर्सेज को देखता है। देन हमें क्या करना है, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर इरीगेशन सिस्टम। भाई ज़्यादा आपको ड्रिप एंड स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है, सरफेस का इस्तेमाल ना करें, स्लोप्स को स्टडी करें, क्लाइमेट को स्टडी करें, उसी हिसाब से जो है आप इरीगेशन सिस्टम को अप्लाई करें। देन हमारे पास वेरियस स्कीम है, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका PMKSY प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, और एक आपकी कुसुम। कुसुम क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें बेसिकली आपको सोलर पंप्स देंगे हम, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। एक्चुअली ये स्कीम आई थी 2015 में, ठीक है। हुआ क्या कि उस समय हमारे पास दो तीन प्रोग्राम्स थे, एक था आपका एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, एक था आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और एक था आपका ऑफ फार्म वाटर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इन तीनों को जो था ये अलग अलग चलते थे पहले, इन तीनों को सब्स्यूम करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में डाल दिया गया, ठीक है। अब उसके फीचर्स क्या थे, एक तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थी, उसमें बोला गया कि भैया आप एक डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान बनाओगे, एक स्टेट इरीगेशन प्लान बनाओगे। आपने क्या किया कि वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लगाई, आपने हर चीज़ के लिए अलग प्लान बनाया। देन इसी के अंदर हमने एक लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड बना रखा है, उसको कौन मैनेज करता है, नाबार्ड मैनेज करता है, ठीक है। इससे क्या है कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर कुसुम की बात करें, कुसुम की उल्लू मैंने आपको बता दी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसमें कुछ नहीं करते हम, इसमें हम सोलर पम्प्स बांटते हैं, ठीक है। जो फार्म्स हैं जो पानी निकालते हैं उसमें बिजली का यूज़ कम करने के लिए हम लोग सोलर पम्प्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम और भी चीज़ें हैं, इसमें क्या है कि ग्रिड कनेक्टेड फार्म पम्प्स, जो फार्म पम्प है उसे ग्रिड कनेक्ट भी किया जा सकता है, ताकि जो फार्मर है वो अगर एक्सेस बिजली बना रहा है तो बेसिकली उसको अब वापस भेज सके वो ग्रिड में, और उससे कुछ पैसा कमा सके। देन कुछ जो बैरन लैंड होती है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, 10,000 मेगा, इसमें बेसिकली 10,000 मेगावाट जो है जो बैरन लैंड पे हम अगर सोलर लगा दें तो उससे बिजली बना सकते हैं, तो वो भी एक उद्देश्य है इसका, ठीक है। तो ये दो स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, PMKSY एंड PM कुसुम। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स क्या हैं इरीगेशन के। देखो अब इरीगेशन किया आपने तो उससे हमारे सॉइल पे और वहाँ के वाटर पे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो चेंजेस इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ इरीगेशन एंड द एंसुइंग इफेक्ट्स ऑन नेचुरल एंड सोशल कंडीशंस, कि उसके सॉइल एंड वाटर के अलावा नेचुरल, वहाँ की जो नेचुरल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, उसके पे क्या उसका फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट कैसे हो गए कि दो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, आपने जितनी ज़्यादा इरीगेशन और रेनफॉल एक प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई ज़्यादा आपने पानी दिया, ज़्यादा इवेपोरेशन हुई, ज़्यादा रेनफॉल हुई, ठीक है। ज़्यादा पानी दे दिया, कम पानी दिया, कम इवेपोरेशन हुई, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो सकता है। इवेपोरेशन, भाई पानी कम दिया, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका इरीगेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल, भाई जितना देखा गया ये बेसिकली। देन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करें तो भैया आपने ग्राउंड वाटर निकाल तो लिया, आपने इरीगेट कर दिया, आपने जो है बेसिकली उगा ली अपनी फसल, बट आपको कुछ अभी दिख नहीं रहा है। बट देन एक दिन आपको पता लगा कि सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया, आपकी सॉइल सेलाइन हो गई, ठीक है। जो वाटर टेबल थी वो नीचे आ गई, ठीक है। ये कोई एकदम एकदम दिखते नहीं है इफेक्ट, बट देन लॉन्ग टर्म्स में इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर पॉलिसी की। देखो यार वाटर पॉलिसी आप जो हैं बेसिकली अगर कोशिश करें कि ये नोट्स में दी गई है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, नोट्स आपको बेसिकली मिलेंगे हमारी साइट्स पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो इस लेक्चर के एंड में एक नंबर दिया गया, आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे, हम आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये आप बेसिकली पढ़ लेना। बट देन मैं आपको बता रहा हूँ इसको पढ़ना कैसे है। देखो नेशनल वाटर पॉलिसी पहले सबसे पहले 1987 में बनी, फिर 2002 में आई और 2012 में आई, ठीक है। तो ऐसी इवोल्यूशन हुआ है।
आपको पढ़ना है 2012 की पॉलिसी, ठीक है। ये इसके सेक्टर्स हैं कि वाटर रिसोर्सेज में क्या हमने काम किया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। देखो पहले क्या था, पर्सपेक्टिव क्या थे, पहले नेशनल पर्सपेक्टिव में काम होते थे बस 2002 की और 1987 की पॉलिसी में, बट 2012 की पॉलिसी में पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड किया गया और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव की बात की। देन इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात की, देखो पूरा नहीं पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन कैसे करना है, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना चाहिए। देन वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करें अगर हम, तो कैसा होना चाहिए आपका, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, रिवर बेसिन सब बेसिन सबको आपको अकाउंट में लेना चाहिए। तो इसको आप ऐसे पढ़ना, ठीक है, ये टेबल दिया गया है वहाँ पे पढ़ लेना। अगर आप कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 तो दो चार पॉइंट्स, 10 पॉइंट तो 5-7 या 10 पॉइंट तो आप अपने पास बना के उसको रख लें, जो भी आपको याद रख सको आप, ठीक है। ये बात थी सेंट्रल वाटर या वाटर पॉलिसी की। अब हुआ क्योंकि 2012 में पॉलिसी आ गई, बट देन सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं है, अभी भी हमें जो है अच्छी वाटर पॉलिसी की ज़रूरत है, उसमें भी कुछ जो है दिक्कत है उस नेशनल वाटर पॉलिसी में, कौन सी 2012 वाली में। तो हमें 2001 अपडेटेड वाटर पॉलिसी क्यों चाहिए, एक तो जो है उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर यूज़ की बात तो कर दी, बट देन उसको डिफाइन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एग्रीकल्चर को जो है ढंग से उसने पॉलिसी पैरामीटर्स पे नहीं लिया, रिवर रिवर्टाइजेशन की बात नहीं की गई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल, GIS, सेटेलाइट इमेजनरी, इसका इसको ढंग से उन्होंने डिफाइन नहीं किया, इसका ढंग से यूज़ नहीं किया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो आज की नीड है, बट नेशनल वाटर पॉलिसी जो कि 2012 में आई थी उसमें भी टेक्नोलॉजी की इतनी बात की नहीं की गई। देन वाटर बजटिंग, ठीक है, वाटर बजटिंग की बात नहीं की गई। देन अभी भी जो बेसिकली इरिगेशन का या वाटर पॉल्यूशन जो है उस पर फोकस ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने जो आपका पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट का, उसको भी अभी इम्बाइब नहीं किया है। बेसिकली आज के अनुसार वो जो 2012 की पॉलिसी है वो आउटडेटेड होती जा रही है कुछ कुछ पैरामीटर्स पे, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी आउटडेटेड हो गई, कुछ पैरामीटर्स पे जो है वो आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। तो उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देन भाई देखो पानी के लिए आपका वे फॉरवर्ड क्या है, तो बेसिकली पानी का मैनेजमेंट आप सबसे पहले तो आप हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज़ के अनुसार करें, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसे ना देखें आप, जो आपकी हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं पानी की, जो हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं उसके हिसाब से जो है वाटर मैनेजमेंट करें, तो आपका बेटर मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज। देन बिल्डिंग कंसेंसस, देखो आपने देखा होगा कि लड़ाई चलती रहती है स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका केरला के बीच में, कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में, किसको पानी को डिवाइड लेके, ठीक है। बट देन उसको लड़ाई से तो कुछ होगा नहीं, कुछ हल नहीं निकलता, चीज़ें खराब भी होती हैं, तो आप क्या करें कंसेंसस बिल्ड करें स्टेट्स में। देन वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करें, वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें, लोगों को समझाएं कि भैया देखिए आप जो है जुडिशियस यूज़ करें वाटर का, ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि लिमिटेड क्वान्टिटी में है भाई, हो सकता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो धरती पर, बट देन उसमें से यूज़ करने लायक बहुत कम ही है हमारे पास, 1% के आसपास है बस। देन मल्टीपल यूज़ करें वाटर का। देन जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उसको आप रिज्यूमिनेट करें, रिवाइटलाइज करें, जैसे आपका बाउलीज हो गई, ठीक है, बहुत सारी आपकी जो होती हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो कि गंदगी की वजह से अंडरग्राउंड हो जाती हैं, आप उसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी उत्तराखंड में एक व्यक्ति थे, उन्होंने लगभग 100 जो स्ट्रीम्स थी उनको दोबारा ज़िंदा किया, वहाँ पे दोबारा पानी आने लगा, तो बेसिकली आप रिज्यूमिनेट कर सकते हैं। देन जो आप ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसमें आपका गवर्नमेंट के लोग और लोकल लोग दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं या जो लोग हैं, उनकी सहायता के बिना आप ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बात थी इरिगेशन की। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई विश यू अ वेरी गुड डे अहेड, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दिंग, वर्क हार्ड एंड यू नो बी हैप्पी, एंड वी शैल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू वॉन्ट नोट्स तो दिस इज द नंबर 8630711706, यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन आस्क एनीथिंग, इफ यू वॉन्ट द गाइडेंस एनीथिंग रिलेटेड टू UPSC यू कैन आस्क अस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।